नमस्कार प्रिय दर्शकों, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंबेडकर नगर के टंडा कोतवाली क्षेत्र में नाव पलटने से उसमें सवार 3 युवकों की मौत हो गई। मांगलिक कार्यक्रम में वृक्षा चढ़ाने आए थे, नाव पर सवार 4 में से 3 युवक तो डूब गए तो वही एक युवक तैरकर जान बचाने में कामयाब रहा। टांडा कोतवाली क्षेत्र के गोडरा गांव में मांगलिक कार्यक्रम में वृक्षा चढ़ाने आए थे। गांव में ही स्थित प्रसिद्ध देवहट तालाब में नाव से घूमने गए थे। वापस आते समय अचानक तालाब में नाव पलट गई। रात्रि होने पर कोई बचाव कार्य नहीं किया जा सका। तलाश सुबह गांव के लोगों द्वारा तीनों युवकों का शव तालाब से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दुर्घटना के बाद पूरे गाँव में कोहराम मचा हुआ है। सीओ टांडा अमर बहादुर ने बताया कि प्रशासन की तरफ से सहायता का आश्वासन दिया गया है। हम लोग खा हो के घूमने के लिए निकले, उसके बाद घूमते घूमते यहाँ और उसके बाद उधर से वापस आ रहे थे 4 लोग। उसके बाद ना यहीं पर डूब गई तो सब लोग अपन पौड़ने लगे, चिल्लाओ चिल्लाओ बचाने के लिए। सब लोग बचाओ 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 सब लोग चिल्ला रहे थे चारों। हाँ, और हम इधर तब लग्गा से धीरे 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 इधर किनारे आए। किनारे आके तब उधर गए मुर्गी जो फार्म है उसके जो बताए तब सब लोग था। उस गांव में किसी के यहाँ फंक्शन था और ये लोग तालाब की तरफ 3 लोग गए थे और इनके साथ एक और आदमी था, मतलब कुल 4 लोग गए थे। इतनी साथ 4 लोग तालाब की तरफ गए थे, नाव से कहीं आ रहे थे उधर से, और वहां पे इनकी डूबने से मृत्यु हो गई। इन चारों में से एक सुजीत निषाद जो कि किसी तरह तैर के पार हो गए। बड़ी दर्दनाक घटना थी, एक साथ 3 लोगों का मरना। आवश्यक कार्रवाई करके डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है और उचित कार्रवाई जो भी आवश्यक कार्रवाई हो। सर,